हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकेश यादव और मैं आपके लिए लाया हूं फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लेंस से संबंधित है। मैं आज लेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि मुझे मतलब बहुत लोग, मुझे भी ऐसा लगा था कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मेरे ऑब्जेक्टिव सवाल को डायरेक्ट जवाब नहीं दे पाते हैं, इसीलिए मैं उनके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट पहले अपलोड करूँगा। बेसिक कॉन्सेप्ट अपलोड करने से आप 90% से 95% क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं और आपको ऑब्जेक्टिव सेट मारने में भी अच्छा लगेगा। इसीलिए मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले रखा है। अभी मैंने लेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट लाया है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए तभी आप ऑब्जेक्टिव सवाल का आंसर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं नया वीडियो लाने का प्रेरित होता हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेंस, लेंस किसे कहते हैं? सबसे पहला डिफिनेशन हो गया लेंस किसे कहते हैं। मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाऊँगा, सिर्फ लेंस का डिफिनेशन आपको बता देता हूँ। मैं अब ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो नहीं बना पाऊँगा, इसीलिए मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाऊँगा आपको। चलिए लेंस का परिभाषा देख लेते हैं। दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। यह प्रायः कांच का बना होता है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। उत्तल और अवतल होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। उत्तल लेंस तो हम लोग जानते हैं कि जिसके किनारे का भाग पतला तथा बीच का भाग मोटा होता है, और अवतल लेंस वह लेंस जिसके किनारे का भाग मोटा तथा बीच का भाग पतला होता है। उत्तल लेंस के प्रकार यहाँ पे देखेंगे। उत्तल लेंस के प्रकार देखिए, उत्तल लेंस तीन प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा जो कॉन्सेप्ट है। उत्तल लेंस का कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, उभयोत्तल, उभयोत्तल, समतलोत्तल और अवतलोत्तल। देखिए इसका दोनों भाग क्या है? उत्तल है। देखिए समतलोत्तल क्या हो गया? एक भाग समतल है, दूसरा भाग उत्तल है। यहाँ तीसरा देखिए, एक भाग उत्तल है तो एक भाग अवतल है। कॉन्सेप्ट समझिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे दोनों है सम, दोनों यहाँ पे उत्तल है तो उत्तलोत्तल हो गया। यहाँ पे एक समतल है, एक उत्तल है तो समतलोत्तल हो गया। यहाँ पे एक अवतल है, एक उत्तल है तो अवतलोत्तल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट समझते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसी तरह अवतल के, अवतल लेंस के भी तीन प्रकार होते हैं। एक हो गया अभियोत्तल, यानी दोनों अवतल हो गया तो अभियोत्तल हो गया। समतल अवतल हो गया, एक अवतल हो गया, एक समतल हो गया या दूसरा अवतल हो गया। और तीसरा हो गया उत्तलावतल, यानी कि एक अवतल हो गया, दूसरा उत्तल हो गया। चलिए आप लोग समझ चुके हैं। लेंस का फोकस बनाने पड़ते हैं दोस्तों। लेंस क्या होता है? दो सतहों से घिरा होता है, इसीलिए इसका दो फोकस होता है। एक वास्तविक फोकस, एक होता है वास्तविक फोकस, एक होता है काल्पनिक फोकस, रियल फोकस एंड वर्चुअल फोकस। चलिए उत्तल लेंस में फोकस जो होता है पॉजिटिव होता है। उत्तल लेंस में जो फोकस होता है वो पॉजिटिव होता है, और अवतल लेंस में जो फोकस होता है वो क्या होता है? निगेटिव होता है। न्यूमेरिकल बनाते समय ध्यान दीजिएगा दोस्तों, न्यूमेरिकल बनाते समय ध्यान दीजिएगा और ऑब्जेक्टिव डील करते समय जरूर ध्यान दीजिएगा कि वास्तविक फोकस जब भी होता है तो उत्तल में उत्तल होता है, पॉजिटिव होता है, और काल्पनिक जो होता है वो अवतल में होता है। चलिए ये सब लेंस के वक्ता केंद्र, क्योंकि यहाँ पे एक समझ लीजिए, लेंस में दो सतह होता है इसलिए इसमें दो वक्रता केंद्र होते हैं। लेंस में दो सतह होते हैं इसलिए इसमें दो वक्रता केंद्र होते हैं। अगर दोस्तों इसका नोट्स चाहिए आप लोग तो मेरे कमेंट में लिख सकते हैं कि मुझे नोट्स चाहिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो मैं नोट्स आपको दूंगा। चलिए देखते हैं उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनने का नियम क्या है। उत्तल लेंस में नियम कैसे प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस में? चलिए पहला नियम इसका है, उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर, देखिए उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण जा रहा है, आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। लेंस से जब अपवर्तन हो रहा है तो यह कहाँ से जा रहा है? फोकस से।
अगर यहाँ से भी हम डालें, देखिए यहाँ से अगर यहाँ से हम लेंस कोई किरण डाल रहे हैं तो यहाँ से फिर फोकस हो जाएगा, यहाँ पे फोकस होगा, यानी लेंस पे कितने फोकस होते हैं, दो फोकस होते हैं, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। चलिए दूसरा नियम देखते हैं, यहाँ पे देखिए, उत्तर लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली आपतित किरणें लेंस से अपवर्तित, लेंस के अपवर्तन के बाद सीधी रेखा से गुजर जाती है। यानी अगर हम किसी किरण को सीधे उसका लेंस के प्रधान केंद्र से गुजारें, केंद्र से प्रकाशीय केंद्र से गुजारते हैं तो उसमें कोई विचलन नहीं होता है, कोई प्रकीर्णन नहीं होता है, मतलब वह विचलित नहीं होता है, वह सीधा निकल जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई अपवर्तन नहीं होता है, वह सीधा निकल जाता है वहाँ से। चलिए उत्तर लेंस में विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण देखते हैं। उत्तर लेंस में देखिए दोस्तों, आगे मैं आपको समझाऊंगा, अभी एक टॉपिक नहीं आया, चलिए पहले निर्माण समझ लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में जिस तरह का प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, छह टाइप का बनता है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, उसी तरह उत्तर लेंस में बनता है, दोनों उल्टा है, दर्पण का ठीक उल्टा है लेंस। यहाँ पे देखिए, जब प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच रखा जाता है तो क्या बनता है, जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो तो काल्पनिक और सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, प्रतिबिंब जो बनेगा काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बड़ा बनेगा। देखिए यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है, ये भी यहाँ से सीधे टकरा कर फोकस से होकर जा रहा है, फोकस होकर गया, और देखिए एक और यहाँ से एक प्रकाश केंद्र बिंदु से होकर जा रहा है, और इसे पीछे बढ़ाने पर देखिए यहाँ पे मिल रहा है दोनों, देखिए यहाँ पे कितना बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है दोस्तों। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर टू में चलते हैं, जब लेंस फोकस पर स्थित होता है, जब सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, जब लेंस फोकस पर स्थित है, जब वस्तु फोकस पर स्थित होता है, तो जब वस्तु फोकस पर स्थित होता है, यहाँ पे फोकस हो जाएगा, जब फोकस पर स्थित हो, जब फोकस पर स्थित हो तो क्या होगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा और वस्तु से बना बढ़ेगा। उत्तर लेंस में सिर्फ एक ही कंडीशन में दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, देखिए फर्स्ट कंडीशन में ही, देखिए यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में ही एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन बाकी सभी कंडीशन में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है उत्तर लेंस में। और अवतल दर्पण में भी यही होता है, अवतल दर्पण में भी एक ही कंडीशन में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है यही कंडीशन में, और बाकी सब में उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। चलिए और बाकी सब जो बनेगा वो सब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। चलिए क्वेश्चन थ्री में आते हैं, थ्री कॉन्सेप्ट में, जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, देखिए यहाँ पे फोकस क्या है, जब वस्तु क्या है, वक्रता केंद्र, देखिए सेंटर यहाँ पे है, सेंटर देखिए यहाँ पे, और फोकस देखिए यहाँ पे है, और दोनों के बीच एक वस्तु है, देखिए यहाँ से जा रहा है परिवर्तन के बाद यहाँ पे सीधे जा रहा है, और एक प्रकाशीय केंद्र से गुजारा गया है सीधे यहाँ गया, अगर देखिए यहाँ पे कहाँ वस्तु बन रहा है, से क्या बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है। देखिए वस्तु कितना छोटा है, वस्तु प्रतिबिंब कितना बड़ा है। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर चार में चलते हैं, जब वस्तु लेंस के वक्रता केंद्र पर स्थित होता है, देखिए दोस्तों ये कॉन्सेप्ट याद कर लीजिएगा, जब वस्तु लेंस के वक्रता केंद्र पर स्थित होता है तब बराबर बनता है, प्रतिबिंब जितना बड़ा रहेगा उतना ही वस्तु बड़ा रहेगा, जितना वस्तु बड़ा रहेगा उतना ही प्रतिबिंब बढ़ रहा है, दोनों सेम रहते हैं, और एक वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक होगा यानी वो उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनता है तो वह उल्टा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है हमेशा सीधा बनता है, वस्तु के बराबर होगा। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर पाँच में चलते हैं, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, देखिए यहाँ पे वस्तु है, यहाँ पे वस्तु है, वक्रता केंद्र यहाँ है, फोकस यहाँ पे है, जब अनंत यहाँ पे है, देखो अनंत इधर है
और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच एक वस्तु है, तो क्या बन रहा है? वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वस्तु से छोटा बन रहा है। देखिए वस्तु इतना बड़ा है लेकिन प्रतिबिंब बहुत छोटा बन रहा है यहाँ पे। चलिए सिक्स में चलते हैं, लास्ट है। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, देखिए अनंत से आ रही किरण है। देखिए जब वस्तु अनंत पर है तो अनंत से आ रही कोई प्रकाश की किरण है, देखिए वह कहा जा रही है फोकस में मिलेगी। हाँ नियम पढ़े थे हम लोग कि जब भी कोई अनंत से आ रही प्रकाश की किरण जब लेंस से टकराती है तो वह फोकस से होकर जाती है। देखिए फोकस से होकर जाएगा, जब फोकस से होकर जाएगा तो देखिए प्रतिबिंब बहुत छोटा बन रहा है, यानी वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है लेकिन वस्तु से बहुत छोटा बन रहा है, यानी इसका मैग्निफिकेशन यहाँ पे जीरो हो जाता है। अगर कोई आवर्धन पूछे इसका, जब पूछे कोई आपसे कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका आवर्धन क्या होगा, तो उसका आवर्धन जीरो होगा, m बराबर जीरो हो जाएगा वहाँ पे। एक क्वेश्चन मैंने दर्पण में भी कराया था कि ये किस कंडीशन में मतलब मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन जीरो होता है, तो वस्तु जब अनंत पर रखा होता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाता है, तभी उसका मैग्निफिकेशन जीरो होता है। चलिए ये तो हम लोग समझ गए। अब देखते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण ये तो बिल्कुल ईजी है। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, इसमें दो ही कंडीशन होता है, चाहे तो आप वस्तु को अनंत पर रखिए, अनंत पर अगर वस्तु को रखते हैं तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, इसमें दो ही कंडीशन है दोस्तों। यहाँ पे एक और कंडीशन है, वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, नहीं वस्तु को अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच, वस्तु को अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब क्या बनता है? काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। देखिए एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बहुत ही ये भी कॉन्सेप्ट है, इसे आप मत भूलिएगा, इसे आप मत भूलिएगा, ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसी पे सब कुछ टिका हुआ है। देखिए आप अवतल दर्पण में सबसे पहले चलते हैं, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण में भी एस प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? भी एस प्रतिबिंब बनता है, यानी कि भी से वर्चुअल, भी से वर्चुअल मतलब आभासी, आभासी, आभासी और ई का मतलब, ई का मतलब क्या होता है? सीधा, सीधा यानी कि इरेक्ट, सीधा मतलब इरेक्ट। देखिए यहाँ पे वर्चुअल लिखा हुआ है, भी ई एस, भी से मतलब वर्चुअल, ई से इरेक्ट, एस से शॉर्ट। अवतल दर्पण में सबसे, अवतल दर्पण में ये याद रखिएगा, अवतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है भी ई एस बनता है, यानी कि वर्चुअल इरेक्ट एंड शॉर्ट बनता है, समझे? वर्चुअल इरेक्ट एंड शॉर्ट, जिसका मतलब एफ होता है माइनस में होता है, जिसका फोकस दूरी माइनस होता है और प्रतिबिंब की वस्तु की दूरी भी माइनस होता है और प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस होता है, यानी कि अवतल लेंस में सब माइनस होता है, अवतल लेंस में सब माइनस होता है। ये वाला मत भूलिएगा, भी ई एस, ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है वर्चुअल इरेक्ट एंड शॉर्ट याद करने के लिए। चलिए उत्तल लेंस में चलते हैं, उत्तल लेंस में जो हमने देखा अभी सभी प्रकार के प्रतिबिंब बन रहा है, बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है, आभासी बन रहा है, इसमें सभी प्रकार के प्रतिबिंब बन रहा है दोस्तों, इसमें कोई मतलब सभी प्रकार के पॉजिटिव निगेटिव सब बन रहा है दोस्तों इसमें। चलिए इसमें फोकस की बात देख लेते हैं, इसमें फोकस जो होता है पॉजिटिव होता है, इसमें कन्फर्म एकदम फिक्स है दोस्तों, एकदम फिक्स एकदम रखिए इसको, फोकस जो होता है पॉजिटिव होता है, यू मतलब वस्तु की दूरी जो होता है निगेटिव होता है, वस्तु की दूरी दोनों में निगेटिव होगा। और देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पे कुछ चेंजिंग है, अगर प्रतिबिंब अगर उत्तल लेंस में काल्पनिक बनता है तो क्या होगा? निगेटिव होगा, निगेटिव चार्ज लगेगा उस पर। अगर वही का वही प्रतिबिंब अगर वास्तविक हो उत्तर लेंस में तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर उत्तर लेंस में
काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो वह निगेटिव होगा, अगर वह वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है वह लेंस उत्तल लेंस तो वह पॉजिटिव लेंस पॉजिटिव होगा। या न्यूमेरिकल बनाते समय बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर आप ऑब्जेक्टिव सवाल भी बनाते हैं तो उसमें भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप सोल्व कर पाइएगा। चलिए लेंस सूत्र में चलते हैं। लेंस सूत्र क्या होता है, 1 by f = 1 by u, 1 by f = 1 by u - चलिए इधर मैं आप लोग कुछ समझाऊंगा नहीं, यहाँ पे आवर्धन है, आवर्धन आप जानते हैं, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई h2/h1। चलिए मैं नहीं समझाऊंगा आपको, देखिए थोड़ा मेरा PDF जो है उल्टा पलटा हो गया है। देखिए ये समझ लीजिए आप लोग, ये बहुत काम का चीज़ है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होता है, उत्तल लेंस की क्षमता जो है धनात्मक होता है और अवतल लेंस की क्षमता जो है क्या होता है ऋणात्मक होता है। आप लोग को मैंने पहले ही बता दिया कि अवतल लेंस सब निगेटिव होता है, अवतल लेंस में कोई भी चीज़ पॉजिटिव नहीं होता है, सब कुछ उसमें निगेटिव होता है। लेकिन अवतल लेंस का क्षमता क्या होता है, उत्तल लेंस का क्षमता क्या होता है पॉजिटिव होता है यानी धनात्मक होता है। इसका आंसर ये आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। चलिए मेरा यहाँ पर लेक्चर समाप्त होता है, अगर मेरे आप चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं और वीडियो बना सकूँ। दोस्तों आप इसे मत भूलिएगा, इससे मत भूलिएगा आप, अगर आप चाहें तो आप बस इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे ज़रूर याद कर लीजिए ताकि आपको ये इंटर तक के साथ नहीं छोड़ेगा, जब तक आप पढ़ाई करते रहिएगा तब तक ये आपको काम देगा। ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेहतरीन। चलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ यहाँ पे, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।